वेलकम बैक गाइस ऑन सक्सेस ड्रीम वेलफेयर एजुकेशन इन सोसाइटी। तो हम वापस आ गए अपनी एक न्यू वीडियो लेके। आज की वीडियो में रोज हम हर बार अपनी जो वीडियोस होती है ना उसमें हम क्या करते हैं, बहुत लिखते हैं, पढ़ते हैं। आप लोग भी कहते होंगे अरे यार बहुत पढ़ाते हैं। तो आज हम कुछ पढ़ेंगे, सीखेंगे और एक बहुत स्पेशल वीडियो है, लेकिन इसमें आज हम ज़्यादा लिखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है टिप्स फॉर इंग्लिश स्पीकिंग। जैसे कि हम लोग देखते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, डेली हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, लिखते हैं, बहुत कुछ करते हैं, हर काम आजकल इंग्लिश में होता है। कहीं भी चले जाओ इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश लिखना जितना इजी है, बोलना उतना ही डिफिकल्ट है, ठीक है। इंग्लिश लिखना जितना इजी है, इंग्लिश बोलना उतना ही डिफिकल्ट है, ऐसा लोगों का मानना है, पर मेरा ऐसा कोई मानना नहीं है। हाँ, इंग्लिश लिखना भी इजी नहीं है, उसको लिखने के लिए भी हमें सीखना पड़ता है, वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर लेकिन इंग्लिश बोलना बहुत इजी है, ठीक है। इंग्लिश लिखने के लिए क्या होता है, हम पहले टेंसेस सीखते हैं, साथ में से टेंसेस सीखते हैं तो हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव ऑक्सिलरी वर्ब्स एटसेट्रा एटसेट्रा चीज़ें सीखते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। पर लिखने के लिए सब चीज़ें मैंडेटरी हैं, बोलने के लिए सब चीज़ें इतनी मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, पर इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। कभी भी आपने देखा इंग्लिश जब हम लिख रहे होते हैं तो हमें किसी के सामने इतना बोलना नहीं पड़ता, पर लेकिन जब हम इंग्लिश बोले तो हमें किसी के सामने लिखना नहीं पड़ता। तो इंग्लिश लिखने के लिए हमारी प्रोनंसिएशन इतनी ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। आवर प्रोनंसिएशन इज़ अ वेरी गुड और वी हैव अ लॉट्स ऑफ नॉलेज ऑफ प्रोनंसिएशन, बट इट इज़ मैंडेटरी फॉर स्पीकिंग। जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं हमारी प्रोनंसिएशन, हमारी वोकैबलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब देखिए वोकैबलरी से मैं आपको एक बात बता दूँ, वोकैबलरी एक ऐसा कॉमन पॉइंट है, एक ऐसी कॉमन चीज़ है जो इंग्लिश लिखने के लिए भी एज वेल एज इंग्लिश बोलने के लिए भी, राइटिंग एंड स्पीकिंग दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, आप इंग्लिश लिख रहे हैं, आप एक ही वर्ड को बार 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 लिख रहे हैं, तो आप खुद ही सोचिए क्या जब आप उस आर्टिकल को पढ़ेंगे, उस सेंटेंस को पढ़ेंगे, आपको मज़ा आएगा, कभी नहीं आएगा। क्यों, सेम चीज़ रिपीट होती रहेगी, आपको उसे बार बार पढ़ना अच्छा लगेगा, कभी नहीं लगेगा। ऐसी मैं आपसे बात बोल रहा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ, पर लेकिन मैं एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करूँ तो वो कभी भी अच्छा नहीं लगेगा, आइधर वो हिंदी हो आइधर वो इंग्लिश। पर लेकिन हमें वोकैबलरी इस चीज़ में ही हेल्प करती है। वोकैबलरी से क्या होता है, हमारा जो कॉम्प्रिहेंशन होता है, हमारा जो भी कोई आर्टिकल होता है वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। जैसे कि अब एक कोई वर्ड लिया मैंने, उस वर्ड के मैंने डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स ऐड कर, ठीक है, जब भी मैंने बोला वर्ड वही है, उसका मीनिंग वही है, लेकिन जो वर्ड है ना मेरा वही वर्ड है, उसका बेसिकली जो मेन मोटिव है वो वही है, बट वर्ड बार बार मैंने अलग लिखा है। तो इसी तरह से बोलने में ये बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है और लिखने में भी बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए जब भी आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपकी प्रोनंसिएशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, वोकैबलरी अच्छी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हर चीज़ के लिए बहुत अच्छी, बट अच्छी होनी चाहिए। ट्राई टू बी फोकस ऑन दीज थिंग्स, बिकॉज देखिए अब जैसे क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। प्रोनंसिएशन, मैंने बोला प्रोनंसिएशन, बट बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, बट प्रोनाउंसिएशन इज नॉट एनी वर्ड इन इंग्लिश, ये कोई भी शब्द नहीं है इंग्लिश के अंदर, प्रोनंसिएशन इज अ करेक्ट वर्ड। बहुत से लोग बोलते हैं प्रोनाउंस, बट प्रोनाउंस भी कोई वर्ड नहीं होता, प्रोनंस होता, प्रोनाउंस, ठीक है, कोई प्रोनाउंस वर्ड नहीं होता, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं, मैं आपको लिख के नहीं बताता, आज लिखना हम अवॉइड करेंगे, जहाँ तक हो सके तो अवॉइड करेंगे। हम लोग पढ़ते हैं एलमीरा, क्या बोलते हैं हम, एलमीरा, बट एलमीरा की जो करेक्ट प्रोनंसिएशन होती है वो होती है एलमायरा, क्या होती है, एलमायरा। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं इंग्लिश को लिखने के और बोलने के। आप हमारे साथ ऐसी वीडियो में बनी रहें, हम आपको और भी ज़्यादा बताएंगे। मेरी वीडियो को पूरा देखें एंड तक, और जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, ताकि सबसे पहले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, देखिए इंग्लिश लिखते हैं, लिखने में क्या होता है, हम लगे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, पर लेकिन इंग्लिश बोलते हैं, जब आप इंग्लिश लिखोगे ना तो कोई आपकी इंग्लिश पे इतना फोकस नहीं देगा, फोकस दिया जाता है पर लेकिन इंग्लिश पे इतना ज़्यादा रिटन में फोकस नहीं देगा जितना ज़्यादा आपके वोकैब में ओरली फोकस दिया जाता है, ठीक है। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं,
तो जो आप बात बोल रहे हैं, जब वो आप कोई सुनेगा सामने वाला, तभी तो वो आपकी बात को समझ पाएगा ना। बट रिटन में क्या होता है, आपने एक सेंटेंस लिखा, मैंने उसके शुरू के चार वर्ड पढ़े, लास्ट के चार वर्ड पे मेरी नज़र चली गई, बीच के वर्ड मुझे पढ़ने की इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों मैं समझ जाऊँगा आपने पूरा सेंटेंस क्या लिखा है, आप किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। पर लेकिन आपको सुनूंगा जब आप और मैं बात कर रहे हैं, तो आप जो सेंटेंस बोलोगे ना, वो सेंटेंस मुझे पूरा सुनना पड़ेगा, तभी मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आपने स्टार्टिंग से कुछ बोला, लेकिन हो सकता है आप एंड में जाके कोई ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न दे दो जिससे आपका सेंटेंस चेंज हो जाए, मीनिंग चेंज हो जाए। तो इसलिए मुझे आपको पूरा सुनना पड़ेगा। मैं आपके लास्ट के वर्ड पे कैसे फोकस कर लूंगा जब मुझे स्टार्टिंग के वर्ड ही नहीं पता? स्टार्टिंग के वर्ड्स पे तो मैं लास्ट के वर्ड पे डायरेक्ट कैसे पहुंच जाऊंगा जब आप बोलोगे उस टाइम पे, जब आप स्पीकिंग करते हो? तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ओके, आप एक ऑरेटर हो। ऑरेटर का मतलब होता है जो भी बोल रहे हैं, जैसे कि मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हो, मैं आपके लिए क्या हूँ? स्पीकर हूँ। तो जो स्पीकर होता है उसको हम इंग्लिश में ऑरेटर बोलते हैं, और जो लोग सुनते हैं हमारी बात उन्हें हम लिसनर बोलते हैं। तो आप लिसनर हो, मैं ऑरेटर हूँ, ठीक है? तो जैसे मैंने कोई वर्ड बोला, कोई सेंटेंस बोला, तो मैंने स्टार्टिंग का आपने सुना, ठीक है? ऑरेटर ने बोला, लिसनर ने सुना। ऑरेटर स्पीक्स द सेंटेंस एंड लिसनर हर्ड द सेंटेंस। बट एक यहाँ पर पॉइंट क्या आया कि जब स्टार्टिंग के मैंने तीन वर्ड बोले और आप लास्ट तक पहुंचने नहीं दिया, आपने मेरी बात काट दिया, फिर आपने कहा हाँ हाँ मुझे पता है, पर लेकिन क्या पता मैं लास्ट में जाके कुछ और बोलने वाला, तो आप कैसे समझ पाओगे? तो जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, हमेशा ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश के अंदर मेजर रोल क्या होता है, इंग्लिश लिखना ऑलमोस्ट सब जानते हैं, बोलना लोग नहीं जानते। और ये वीडियो सिर्फ मैंने आप कहते हुए बनाई है, बहुत सारे लोगों ने बनाई भी होगी, मे बी, मेरे को पता नहीं, पर लेकिन ज़्यादातर लोग ये सब बातें नहीं बताते, ठीक है? तो इंग्लिश को लिखने के साथ साथ गाइस बोलने पे इतना फोकस करें कि लिखने पे इतना फोकस ना हो पाए लेकिन बोलने में फोकस हो। क्यों? क्योंकि आजकल आप कहीं पर भी जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप कहीं इंटरव्यू देने गए हैं, तो वहाँ पर GD होती है, GD होता है ग्रुप डिस्कशन, ठीक है? ग्रुप डिस्कशन के अंदर मोस्टली जो आपकी चीज़ें होती है ना, यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। Most of the sentences you have to speak in English. If you don't speak in English, nobody will give you a job. Most of the time. मैं ये नहीं कहता कि आपको बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, impossible. Nothing is impossible in this world. Nothing is impossible in this world. Mark my words very carefully. इस वर्ल्ड में कुछ भी impossible नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। पर लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं आज के टाइम में मार्केट के अंदर इंग्लिश के डिमांड बहुत ज़्यादा है। हमारी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, पर लेकिन जो इंग्लिश की डिमांड है आज के डेट में वो हिंदी से भी ज़्यादा है। तो ट्राई टू बी फोकस ऑन योर इंग्लिश एज वेल एज हिंदी ऑल्सो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं तो इंडिया, लेकिन उन्हें हिंदी बोलनी नहीं आती, इंग्लिश बोलनी होती। तो आप हिंदी पे भी और इंग्लिश पे भी, दोनों लैंग्वेज पे फोकस करें, पर हिंदी के साथ साथ ये नहीं इंग्लिश पे फोकस ना करें, इंग्लिश के साथ हिंदी। हमारे इंडिया के अंदर ये दोनों लैंग्वेज बहुत कॉमन है, ठीक है? और इंग्लिश तो एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन लैंग्वेज है। तो प्लीज़ दोनों पे फोकस करें, दोनों सीखें अच्छे से, हमारी वीडियोस से सीखें। हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। कोई भी अगर आपको हमारी वीडियो का जो भी पार्ट सबसे अच्छा लगा है उसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर कुछ भी आपको नया टॉपिक चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो भी कमेंट करके बताएं। साथ साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।